साल से 13 अरब 94 करोड़ रुपए कमा चुकी है सूद, और केस खान पे कर दिया, उस आदमी पे केस किए, उस बेगुनाह पे जो पैसा पाकिस्तान लेके आता है, हस्पताल बना के देता है, स्कूल हॉस्पिटल्स बना के देता है, यूनिवर्सिटीज बना के देते हैं, और उसको आप जेल में डाल देते हो, और जो चोर हैं उसको प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर बना देते हो, या प्रेसिडेंट बिग या कांग्रेसमैन, हमारे वाले 50 करोड़ देखते और भाग जाते हैं। क्या गलती है? 5% पाकिस्तान का अशराफिया, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, आप पढ़ के देख लें उसको। 6 ग्रोह हैं उसमें जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। अक्सर हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, मिलिट्री तो एक हिस्सा है, उसके 5 मजीद हिस्से हैं। क्या है वो, किसी को पता है? पक्को जिंदगी में इस का इंतजार नहीं करना कि कोई आएगा और शाबाशी देगा कि जी आप तो बहुत अच्छे हैं, ये कभी नहीं होना। कुछ करना है तो अकेले करोगे, नमाज भी तो अकेले पढ़ते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे आए हुए मेहमान बता रहे थे दाऊद शाह भाई के हमारी ख़वातीन आई हुई हैं आज बहुत दूर दूर से, उनको भी सलाम। स्टेज पर जो बैठे हुए हैं हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ ऑर्गेनाइजर्स, ILF पाकिस्तान, इतने नाम लेने वाले हैं कि मैं भूलूंगी, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ ILF पाकिस्तान के बारे में बता दूं कि पिछले 2 साल में जो हमने एक जुल्म तो वैसे होता रहा है पाकिस्तान के साथ पिछले 76 साल, लेकिन जो हमने एक कशीदगी देखी है, एक तेज़ी देखी है उस जुल्म में, एक बर्बरियत में, अगर ILF ना होती, आप सब ना होते, तो मैं नहीं कह सकती कि आज पाकिस्तान जुड़ा रहता, हम एक ही हिस्से में रहते। इसलिए ये आपका शुक्रिया तमाम ILF का देना बहुत ज़रूरी है, PTI बलूचिस्तान का, PTI सिंध का, हमारे जितने भी मेज़बान हैं। लेकिन ILF को मैं इसलिए खिराज तहसीन पेश करती हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है, हर वकील मालदार नहीं होता, हर वकील साहिब हैसियत नहीं होता, वो बग़ैर फेस लिए आपके मचलके भी जमा करवा रहा होता है, आपकी ज़मानतें भी कर रहा होता है। सो थैंक यू ILF, अपने लिए ज़रा तालियां बजाइए। दूसरी बात, बहुत सारे लोग मुझसे कल भूल गए थे जिन्होंने हमारी चाहे माजी हो चाहे इस ट्रिप पे बहुत मदद की। माविश बीबी का नाम मैंने सर फहरिस्त लिखा था, मैंने कल वो ही नहीं पढ़ के दिया। मुनव्वरा बीबी हैं, कुलसूम हैं, जुलेखा हैं, सफ़िया हैं, रज़िया हैं, सारी मेरी बहनें हैं, और कल से जिन्होंने और जिनके नाम मुझे नहीं भी आते, इतनी हमारी मेहमान नवाजी की, आप सबका शुक्रिया। दाऊद शाह, आसिफ भाई, नूर भाई, मेरे 3 इस वक्त भाई हैं जो यहाँ नहीं है मौजूद, सालार सुल्तान जई, सदाम तरीन और कासिम सूरी, इनके साथ एक वक्त गुजरा है। सियासत अपनी जगह, लेकिन ये भाई बहन का रिश्ता और ये इज़्ज़त वाला रिश्ता बड़ी मुश्किल से बनता है। मेरे बाबा हमेशा कहते थे कि भाई वही है जो अपनी माँ से पैदा होता है, लेकिन इन लोगों ने अप्रूव करके दिखाया, चाहे वो शहरयार है चाहे मौज़म भाई है, कि वाकई अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अभी भी अच्छाई है। ऐसे लोग हैं जिनको मैं अपनी फैमिली समझती हूँ, एंड दैट स्टार्ट्स विद ILF एंड इट गोज़ ऑल ओवर पाकिस्तान। थैंक यू। मैं अपनी बातें मुख्तसर रखूंगी क्योंकि आज हमारा एक मकसद है यहाँ आने का, वो मकसद है कि हम पाकिस्तान को जगाना चाह रहे हैं। आप 100 बैठे हो, आप एक बंदा बैठा हो या 10 बैठे हो, मेरा काम हो गया अगर एक भी जहन ये बात समझ जाए कि पाकिस्तान क्यों ज़रूरी है। ये लड़ाई इमरान खान की नहीं है इस्टेब्लिशमेंट से, ये वतन की लड़ाई PTI से नहीं है, ये एक बहुत सिंपल सी लड़ाई है, ये पुरानी गुलामी है जो एक पागल बैठा हुआ बैरून मुल्क, जिसको हमारे नाम नहीं पता, हमारा दीन नहीं पता, हमारा कानून नहीं पता, हमारी ज़बानें नहीं पता, हमारा लिबास नहीं पता, लेकिन वो चाहता है कि जिस तरह उन्होंने अफ़गानिस्तान के टुकड़े किए, फ़लस्तीन के टुकड़े किए, वो हमें भी बर्बाद कर दें। और ख़ान ने बोला एब्सोल्युटली नॉट। रिमेंबर, हम में अगर इस वक्त कोई है हमारे दरमियान, मैं PTI की बात नहीं कर रही, मैं शिया सुनी बात नहीं कर रही, मैं पंजाबी पठान बात नहीं कर रही, मैं बलोची सिंधी बात नहीं करती, मैं गिलगिती कश्मीरी बात नहीं करती, मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ, क्योंकि खान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करता है, इस मुल्क की बका और किसी के नहीं। हमारी जिम्मेदारी है, शहरयार खड़ा रहा, मैं खड़ी रही, कासिम खड़ा रहा, आप खड़े रहे,
एहसान किसी पे नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है। जो नहीं खड़ा हो सकता, डजंट मैटर, हम उसकी भी इज्जत करेंगे। लेकिन ये सख्त वक्त है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, और जिसको समझ नहीं आ रही तो आपसे रिक्वेस्ट है कि खुद भी समझें, औरों को भी समझाएं। आपकी सालमियत, आपकी बका, 3 दफ़ा शुक्र है मैं खान साहब से जेल में मिल चुकी हूँ। 3 दफ़ा उन्होंने बार बार कहा कि मेरे मुल्क को नहीं तोड़ना, ना लिसानी बुनियादों पे, ना दीनी बुनियादों पे, और एक जो जड़ है हमारी हर ईविल की जड़, पैसा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर बिक गया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बिक गया, प्रेसिडेंट बिक गया, कांग्रेसमैन, हमारे वाले 50 करोड़ देखते और भाग जाते। तीसरी बात, ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, क्योंकि वकला है ज़्यादातर आज, तो हम वकील वकला की ही बात करेंगे। कहानी शुरू होती है जो हमारा पेनल्टिमेट वकील था कायद आज़म रहमतुल्लाह ने, पाकिस्तान, उन्होंने आपको हाथ में दिया। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिन लोगों की शहादतें थी, वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। आपको और मुझको ये मुल्क मुफ्त में मिला है। कदर है इस मुल्क की? कदर है? सच बताएं। नहीं नहीं, ऐसे सर नहीं हिलाना, सच बताएं, कदर है मुल्क की? नहीं है। मैं बताती हूँ क्यों। हर सुबह उठते हैं रोते, बिजली कम है, गैस कम है, पानी कम है, अस्पताल कम है, स्कूल कम है, रोड कम है, सही कहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन पहचान तो है ना, पासपोर्ट तो है ना, शनाख्ती कार्ड तो है ना, फ़लस्तीनियों की तरह तो नहीं है कि वो तुम, ना उनकी कोई ज़मीन है, ना उनका कोई पासपोर्ट है, ना उनका कोई शनाख्ती कार्ड है। हम आदी हो गए हैं, हम उसे कहते हैं, हमारा एक सोच है हमारी कि हमें जब तक ये सब कुछ नहीं मिलेगा तो मुल्क ने हमसे ज़्यादती की है। बिल्कुल भी नहीं, मुल्क बेचारे की क्या गलती है। 5% पाकिस्तान का अशराफिया, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, आप पढ़ के देख लें उसको। 6 ग्रोह हैं उसमें जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। अक्सर हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, मिलिट्री तो एक हिस्सा है, उसके 5 मजीद हिस्से हैं। क्या है वो, किसी को पता है? वो मोटा मौलवी जो आपको कहता है कि जी अल्लाह को तो गुरबत बहुत पसंद है, और खुद उसका पेट उसे 10 मील आगे घूम रहा होता है। सॉरी, किसी को नाराज नहीं करना, लेकिन ये सुन ले, वो जुडिशरी जो खुद के लिए तो इंसाफ चाहिए लेकिन आपको इंसाफ 3-3 साल नहीं दे सकता, वो ब्यूरोक्रेसी जिसके अपने बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं लेकिन आपको नई रोशनी स्कूल आपके लिए पसंद है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लो, वहाँ भैंस भी पढ़ती है, तुम भी पढ़ लो तो अल्लाह अल्लाह खैर से, और शुक्र करो कि तुम गुरमत में रह रहे हो। वो सेठ जो दिन के 50 करोड़ कमाता है, आपको महीने के 15,000 देते हैं और कहते हैं इसके शुक्र करो। और याद रखिए वकीला, आप अपने गर्दन में और अपने गरीबान में झांकेंगे ना तो यू विल अग्री विद मी, यहाँ कितने लोग बैठे हैं इस वक्त, 30,000 कानूनन तनख्वाह है, बेसिक मिनिमम वेज, पता है आपको ना कि क्या होती है बेसिक मिनिमम वेज। यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिनके घर में नौकर काम करते हैं, ड्राइवर काम करते हैं, उनको 30,000 माहाना मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगी हाथ उठाएं, लेकिन याद रखें, हम इमरान खान के लिए हकूक नहीं मांग सकते जो हमें हकूक देना नहीं आता। दूसरे पर तनकीद तब करोगे जब अपनी इस्लाह करोगे। हर बंदा तबादले के लिए निकल रहा है, तब्दीली के लिए, भाई पहले खुद को तो बदलो। और ये तब्दीली आएगी हम वकला से, कानून बनाते तो कानून इम्पोज भी करो, अपने पे करो। दूसरे को कहते हो झूठ ना बोलो, हम सारे झूठ नहीं बोलते? दूसरे से कहते हो कि ईमानदारी करो, हम बेईमानी नहीं करते और जस्टिफिकेशंस बना लेते हैं। पाकिस्तान इस वक्त फौज की वजह से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में नहीं है, मौलवी की वजह से नहीं है, सेठ की वजह से नहीं है, ये तो वो 6 ग्रोह हैं जो हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हम पे बराजमान हो गए। 99% पाकिस्तान की रिसोर्सेज ये 5% लोग खाते हैं, इसलिए हम गरीब हैं। लेकिन इट स्टार्ट्स हियर, आई करेक्ट माई सेल्फ, आई करेक्ट पाकिस्तान, बट इफ ऑल आई डू इज कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, हाय लुट गए, हाय पसमांदा, हाय लुट गए, इससे कुछ नहीं होना। लेट मी अशो यू, अल्लाह उसी कौम की हालत बदलता है जो देख लेती है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है और जुल्म के बावजूद उठती है। दिस इज स्ट्रेंथ। मालदार और जो क्या कहते हैं ओहदेदार, वो तो अच्छे वक्त में आपके साथ खड़ा होगा, बुरे वक्त में कौन खड़ा हुआ आपके साथ? ILF। इसलिए मैं ILF की शुक्र गुजार हूँ, अच्छे में तो सारे आपके साथ हैं। अच्छा, एक बात अपने बारे में याद रखिएगा आप सब जो आज बैठे हैं, इसके बाद मैं 2 छोटी बातें करके ख़त्म, खान के केसेस की बात करूँगी। ये जो पिछले 2 साल से हो रहा है, खैर बलूचिस्तान में तो हमेशा से हो रहा है, मेरे सूबे में मर्ज डेरीज में एक्सपाटा फाटा में भी हमेशा से हो रहा है, नॉर्दर्न सिंध में भी हो रहा है,
सदन पंजाब में जो एक बर्बरियत फस्ताइत है वो इसलिए क्योंकि हमें खुद का नहीं पता, अपनी कदर नहीं, ये समझते हैं कि हम एक हकीर सा दाना है और हमें जिंदा गाड़ देते हैं ज़मीन में। आवाज़ आ रही है? मैं बहुत ऊंचा बोलती हूँ। अच्छा, इन्होंने हमें ज़मीन में गाड़ दिया, इनको ये नहीं समझ आती। अच्छा, इनको रिकॉर्ड करना है। इनको ये नहीं समझ आती कि हम बीज हैं, बीज, जितना अंधेरे में गाड़ोगे उतना ऊपर हम निकलेंगे, हम दरख्त हैं। आपको शायद पता भी हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पेड़ इस वक्त सरगोधे में, वो इतना बड़ा है, वो इतना पुराना है कि वो खत्म ही नहीं होता, वो अब एक पूरा जंगल बन गया है। एक दरख्त, जड़े वही है उसकी, ये नहीं कि उसकी और जड़े आ गई हैं। इसलिए बता रही हूँ कि बरगद का दरख्त बने, जो अपने आप को बीज समझेगा आप कभी नहीं कामयाब होंगे, क्योंकि अंधेरे में एक दफ़ा दब गया आपको कौन निकालेगा। बट एक दफ़ा ये मान लिया कि मैं ताकतवर हूँ, मुझे अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, लोगों को कहने दो, कमज़ोर मुझे कहें, हेल्पलेस मुझे कहें, लाचार मुझे कहें, आपने क्या फैसला किया है कि आप लाचार हैं कि आप ताकतवर हैं। एक दफ़ा फैसला कर लो फिर रास्ता पकड़ो। ज़िंदगी में इस का इंतज़ार नहीं करना कि कोई आएगा और शाबाशी देगा कि जी आप तो बहुत अच्छे हैं, ये कभी नहीं होना। कुछ करना है तो अकेले करोगे, नमाज भी तो अकेले पढ़ते हो, हज भी तो अकेले करते हो, कब्र में जो वालदैन आपके साथ प्यार करते हैं वो जा सकते हैं आपके साथ? नहीं जा सकते। ज़िंदगी है ही अकेलेपन का नाम, लेकिन इंशाल्लाह जब हम एक और एक इकट्ठे होंगे, तमार मुकला, तमाम ISF, इंसाफ यूथ विंग, भाई आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, मेरी आखिरी ही बात है, थैंक यू। अच्छा, खान साहब के आखिरी केस है, किसी को पता है जो अलकादर केस हो रहा है? सिर्फ अब वकीलों को बात करते हैं, किसी को पता है इस केस की डिटेल्स? किसी को नहीं पता, आप सुन लें। अलकादर केस क्या है? मलिक रियाज ने, उनका एक केस था UK में, क्रिमिनल केस था, जो ब्रिटेन की क्राइम एजेंसी है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आपस में फैसला करते हैं, वो पैसा आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का हिस्सा है हुकूमत का, है ना? यस नो की ये भी नहीं पता? शाबाश, बॉयज वेक अप, वेक अप। पाकिस्तान कैसे बदलोगे अगर यहाँ नहीं बदल सकते? आप लोगों ने इस केस को फॉलो करना है, ख़ासकर वकला से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस केस में हुकूमत पाकिस्तान पिछले 4 साल से 13 अरब 94 करोड़ रुपए कमा चुकी है सूद, और केस खान पे कर दिया, उस आदमी पे केस किए, उस बेगुनाह पे जो पैसा पाकिस्तान लेके आता है, अस्पताल बना के देता है, स्कूल हॉस्पिटल्स बना के देता है, यूनिवर्सिटीज़ बना के देते हैं, और उसको आप जेल में डाल देते हो, और जो चोर हैं उसको प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर बना देते हो। अब मेरा आखिरी पॉइंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप पाकिस्तान, ना खैर है, खैर है, प्लीज सर बैठे बैठे चुप, नहीं नहीं ये वो मीडिया क्या हो, ना खैर है, तवज्जो नहीं भेजेंगे तो अपना लॉस होगा, मेरा कोई लॉस नहीं है। आपको आखिरी बात, आखिरी बात ये है बच्चे कि आपके इस वक्त मईशत डूब रही है, कम्प्लीटली डूब गई है आपकी मईशत। टोटल आप कमाते हैं 14 खरब साल के और 10 खरब आप दे देते हैं इंटरेस्ट में, सूद में। क्या ये पाकिस्तान इन पैसों में कामयाब होगा? क्या वो कला कामयाब होंगे? ये आपने 4 सूबों को भी पैसे देने हैं, 2 फेडरेटिंग यूनिट्स को भी पैसे देने हैं, सेंटर को भी देना है, पुलिस को भी देना है। वो कला जाग जाएं, आपको ये कोई नहीं कहता कि आप हाथ उठाएं, आपको कोई नहीं कहता कि गाली दें, बदतमीजी करें, बट इधर जाग जाएं। आपका बहुत मुश्किल और लंबा रास्ता है आगे, ये किसी से कोई आपको कहे ना कि बस इंशाल्लाह हम एक महीने में कामयाब हो जाएंगे, 5 महीने में, ये कभी नहीं होगा। हमें ये पाकिस्तान मुफ्त में मिला है, इसको कमाना पड़ेगा। हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी, हमने कोई कुर्बानी नहीं दी है। तो जो भी अभी हो रहा है इस पर सेल्फ पिटी नहीं करना, खुद पे 24 घंटे दुखी नहीं रहना कि हाय लुट गए ना। यू हैव टू हेल्प दिस कंट्री, इवन इफ यू गिव इट एवरीथिंग यू हैव। आई एम डन।